नमस्कार, आज हम एक ऐसे बीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसा सीड जिसका उपयोग कर आप होल बॉडी पेन को दूर कर सकते हैं, जॉइंट्स पेन को, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, यहाँ तक कि आपके हार्ट को स्ट्रांग करने के लिए, और यदि आप चलते हैं और थकते हैं उसमें भी यह बहुत ही सुंदर रिजल्ट देने वाला बीज है। और आपको यदि कॉन्स्टिपेशन या पेट की कोई भी प्रॉब्लम है उसे भी यह दूर करने की ताकत रखता है। छोटा सा बीज लेकिन इतना गुणकारी। और तो और यदि कुछ लोग मोटे हैं, हेल्दी है, जिनका वजन बहुत अधिक बढ़ रहा है, जिनका पेट निकल रहा है, वह सोचते हैं कि हमारा वेट कम हो जाए, उसके लिए भी यह बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ जिन लोगों का डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उसे भी यह बीज के द्वारा आप कंट्रोल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको इस रेमेडी को रेगुलर करना है। रिजल्ट तो आपको 5 से 7 दिनों में ही मिलने लगेंगे, बट यदि प्रॉब्लम लंबे समय से है तो क्योर करने के लिए हमें एफर्ट भी लंबे समय तक लगाने पड़ते हैं। मैं कल्पना राठौर, एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर थेरेपिस्ट, डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन। यह बीज जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इसको लेना कैसे है, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, और इसे यदि आप हमेशा भी लेंगे तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि यह नेचुरल रेमेडी है। इसके लिए आपको एक छोटी चम्मच मेथी ले लीजिए, उसे पहले अच्छी तरह से धोकर साफ कर लीजिए, और रात में एक ग्लास पानी में एक चम्मच मेथी के दाने को भिगो के रख दीजिए। सुबह जो एक ग्लास पानी में आपने मेथी डाला था उसमें 2 कलियां लहसुन की छील लीजिए और कुचलकर उसमें डाल दीजिए, और फिर इसे अच्छी तरह उबालिए, और जब यह उबलकर आधा रह जाए तब इसे हल्का कुनकुना कर लीजिए। पहले इसे छान लेना है, और फिर जब यह हल्का कुनकुना हो जाए तो सबसे पहले इस पानी को पी लीजिए, और फिर बचे हुए जो मेथी के दाने लहसुन के साथ उसको आपको चबा चबा कर खा लेना है। फिर देखिए आपके हार्ट कितना मजबूत होगा, आपका जॉइंट्स पेन चला जाएगा, आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम चली जाएगी, आपको गैस, एसिडिटी, पेट की सारी समस्याओं को यह दूर करता है। साथ ही साथ यदि आप इसे लंबे समय तक करेंगे तो आपको जो एक्सेस फैट जमा हो गया है वह भी चला जाएगा, और डायबिटीज़ भी आपकी कंट्रोल रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही आसान रेमेडी लेकिन रिजल्ट 101% आपको मिलेंगे। और फिर कह देती हूँ, चैनल को यदि पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की ऐसी ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है और आसान रेमेडी आप तक सबसे पहले पहुँचे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, इसी शुभकामना के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।